अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैवीय प्रेरणा का हवाला देते हुए सार्वजनिक रूप से एक अहम योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था, जिसमें 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से बिजली देने की घोषणा की, जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के परिवारों को सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए छत पर सौर पैनलों से लैस करना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना से न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली कम होगा, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा, ये उन्होंने दोहराया। उन्होंने आगे कहा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भगतगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त्र हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटते ही पीएम ने नई दिल्ली में मीटिंग की, जिसके बाद गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए ये बड़ी घोषणा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों से आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का आग्रह किया है। रूफटॉप और पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल है जो मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये ग्रीड से जुड़ी बिजली की खपत को कम करता है और उपभोक्ता के लिए बिजली की लागत बचाता है। आपको बताते चले, सोलर रूफटॉप प्रणाली में केवल अग्रिम पूंजी निवेश और रखरखाव के लिए न्यूनतम लागत होती है। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। केंद्र के पास वर्तमान में एक राष्ट्रीय रूफटॉप योजना है। ये सोलर रूफटॉप परियोजना की कुल पूंजी लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2014 में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के ऐलान के बाद से बाजार में लिस्टेड कई ऐसे शेयर हैं जो फोकस में रहेंगे। इसमें कई ऐसे शेयर हैं जो फोकस में हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे भी हैं जिन पर 5 और 10% का अपर सर्किट लग गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पावर स्टॉक में एक्शन देखने को मिला और कुछ कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।